नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बालाजी एजुकेशन अड्डा में। दोस्तों, LDC वाले अभ्यर्थियों के लिए एक नेक्स्ट अपडेट क्या है वो देख लीजिए यहाँ पर, क्योंकि ये जो वीडियो है वो LDC वाले अभ्यर्थियों के लिए ही हैं। जिन अभ्यर्थियों का चयन निदेशालय स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग में हुआ है, वो अभ्यर्थी इस वीडियो को अवश्य देखें। उनके लिए क्या डायरेक्शन दे रखी है कि अभ्यर्थियों को 18/5/2020 के द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार एवं अभ्यर्थियों की मेरिट तथा दस्तावेज सत्यापन के सत्यापन में उनके द्वारा जिलों के लिए दी गई वरीयता के आधार पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को उनके नाम के सामने अंकित जिले में कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्ति हेतु जिला आवंटित किया गया है। लेकिन ये जो कोई इम्पोर्टेंट न्यूज देनी थी वो आपको ये थी कि ये तो लिस्ट है जिन अभ्यर्थियों का चयन हुआ है उसमें आपका नाम लिखा हुआ है और नाम के सामने ही आपको जो जिला आवंटित किया गया है वो लिखा हुआ है। ये सबको यहाँ से दिख जाएगा, ज़्यादा अभ्यर्थी है नहीं है, देख लीजिए आप, बहुत कम अभ्यर्थी है, तो आराम से आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि आपको कौन सा ज़िला अलॉट हुआ है। लेकिन इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है, वो मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा वेट कीजिए। 68 अभ्यर्थियों की ये सूची है। बाकी अब जो न्यूज़ देनी थी वो देख लीजिए कि उक्त समस्त अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि पत्र के साथ संलग्न प्रारूप में सहमति भरकर 3 दिवस में, ये जरूर इम्पोर्टेंट बात है कि 3 दिवस में जिला जयपुर हेतु निदेशालय जो इसका हेड ऑफिस है उसके लिए जयपुर में तथा अन्य जिसको भी जो जिला आवंटित हुआ है उस जिले के संबंधित कार्यालय में, क्षेत्रीय कार्यालय में स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग क्षेत्रीय कार्यालय जैसे कि अजमेर हैं, भरतपुर हैं, बीकानेर हैं, जोधपुर है, कोटा है, उसके बाद में उदयपुर हैं, जहाँ भी आपका स्थानीय क्षेत्रीय कार्यालय हैं उस स्थानीय क्षेत्रीय कार्यालय में जाकर आपको 3 दिवस के भीतर सहमति पत्र देना होगा। तो अभ्यर्थी वेट ना करें, क्योंकि 3 दिन बहुत कम है, बहुत कम टाइम है, और जयपुर जाना उसके बाद में अपना जो स्थानीय संभाग स्तरीय जो कार्यालय हैं वहाँ जाना पड़ेगा सभी अभ्यर्थियों को। तो अभ्यर्थी बिना वेट किए अपने क्षेत्र कार्यालय पहुँच जाएँ, और आगे भी ऐसे ही अपडेट्स प्राप्त करने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें तथा बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि आने वाली सभी अपडेट्स आपको मिलती रहे। धन्यवाद।